सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और मैं लौट आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। सो गाइज, आप सब जने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हैं अपनी बुक्स को लेके। इस वीडियो में हम बुक्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से आप नई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, जो आपके NCERT की बुक्स होती हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भी बच्चे ने अपनी पुरानी बुक्स ली हैं, उन्हें सिलेबस समझ नहीं आ रहा, क्या कट हुआ है, किस तरीके से डील करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो फाइनली ये जो है, ये ऑफिशियल साइट है NCERT की, जहाँ पर आपको सभी क्लास की बुक्स मिल जाएंगी। मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। कैसे आप आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करना है इस लिंक पे। इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। आपने नीचे की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैथ्स की बुक खुली हुई है, क्लास 9th की, वो भी लेटेस्ट वाली। सो कैसे मैंने ये खोली, आप सिलेक्ट क्लास कर लीजिए। सपोज़ मैंने 9th की लेनी है, देन आप सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लीजिए विच इज़ मैथ, और फिर आप टाइटल भी सिलेक्ट कर लीजिए मैथमेटिक्स। देन आपने जाना है गो पे। जैसे ही आप गो पे जाएंगे, सो इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा, विच मीन्स आपकी 9th की लेटेस्ट बुक खुल जाएगी जो इस साल आपकी प्रिंट होनी है। जिन्होंने नहीं खरीदी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी बुक्स ले लेते हैं, तो उनके लिए आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। जैसे मैंने ये पहला पेज ओपन कर लिया, अब ये देखो ये आपकी खुल चुकी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपकी पुरानी बुक है ना, आप टिक लगाओ। टिक लगाओ कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपने करने हैं, टिक लगाओ कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, कौन सी कट हो गई है। अब मैंने ये एनालाइज करा कि जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है ना क्लास 9th में, वो कट हो गई है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यही चीज़ें डाउनलोड करके देख लो और अपनी पुरानी बुक्स में टिक लगा लो कौन सी चीज़ें आनी है, कौन सी नहीं आनी है। सो ये था हमारा पहला चैप्टर। आप देख सकते हैं कि जो 1.4 है ना, वो आपकी एलिमिनेट हो गई है। प्लस उसकी जगह पे अब जो 1.5 एक्सरसाइज हुआ करती थी पुरानी बुक्स में, वो 1.4 बन गई है। और जो 1.6 एक्सरसाइज हुआ करती थी पुरानी बुक में, वो 1.5 बन गई है। और यहीं पे ही चैप्टर डन हो गया है। सो इस तरीके से आप अपनी सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब मैं चैप्टर नंबर 2 भी खोल के दिखा देती हूँ। सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वाले चैप्टर को भी, ठीक है। इस तरीके से ये साइट आपकी हेल्प करेगी। आप मैथ्स की खोल के देख सकते हैं, साइंस की खोल के देख सकते हैं, इंग्लिश की खोल के देख सकते हैं। बस आपने करना क्या है, सिलेक्ट करनी है क्लास। सपोज मेरे को 10th का देखना है, तो मैंने 10th सिलेक्ट कर दी, मेरे को मैथ्स का ही देखना है। और टाइटल भी मेरा क्या है, मैथ्स, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर गणित इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देन आपने गो पे क्लिक करना है। सो ये हमारी 10th की बुक है, राइट। अब मेरे को चैप्टर नंबर 1 देखना है। तो मैंने ये चीज़ एनालाइज करी कि भाई क्लास 10th का भी सिलेबस चेंज हुआ है। जो यूक्लिड डिविजन वाली एक्सरसाइज थी, वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दी है। और उसकी जगह जो 1.2 एक्सरसाइज थी, उसको 1.1 बना दिया। उसी के साथ साथ आप ये देखो एक सस्पेंस की 1.2 करते के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ख़त्म। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप कंफ्यूज मत हो, वो चीज़ें पढ़ो जो एग्जाम में आने वाली है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने, राइट। सो गाइज, ये है हमारी साइंस की बुक क्लास 9th की। आप किसी भी क्लास की बुक खोल सकते हैं, अपने सिलेबस को वेरीफाई कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। ये पूरी लेटेस्ट बुक है। आप चाहें तो पूरी बुक पे कंप्लीट डाउनलोड करके आप अपने पास वो बुक देख सकते हैं और टिक लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, और आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, और आप वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक एलिमिनेटेड है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। सो गाइज, मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको बुक मिल सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। सो थैंक यू गाइज।